सो ये चेक करो भाई, ये रहा हमारा जियो फाइबर का सारा सामान, अपना कंफर्मेशन कर लीजिए। बस आउटडोर से इंडोर का एक कनेक्शन रहेगा, बाकी सारा सैटेलाइट से कनेक्शन है। चलो एक और वाईफाई लगवाते हैं। यहाँ पे हमने जियो फाइबर लगवाया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? कैसे फिलहाल अभी उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, सब कंप्लीट। एंड जैसे कि हमारा डेली व्लॉगिंग चल रहा है बॉयज, 30 डेज का चैलेंज, तो आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज चैलेंज। सो एज फिलहाल जैसे कि आज हम लोग का प्लान है कि आज हम लोग अपने घर पर लगवाने वाले हैं जियो फाइबर, एयर फाइबर जो कि अभी कुछ 15 अगस्त के चक्कर में कुछ ऑफर में चल रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड जियो में वर्क करता है, तो वही मेरे को ऐसा ऑफर बताया। ऑलरेडी हम लोग के घर पर एक वाईफाई लगा हुआ है, रेलटेल का लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड जो आता था पहले वो डीलिंक वीलिंक वाला, कनेक्शन वाला, वायर वाला। तो मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ ऑफर है जिसमें सिर्फ रिचार्ज का पैसा लग रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लग रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो करवा दो। तो फटाफट से फ़ोन वगैरह किए थे, बोले कि ठीक है चलो, वो लोग बोला कि आके आज इंस्टॉल करवा देंगे। तो यस, फाइनली आज हमारा इंस्टॉल होगा। अब देखो शाम तक आते हैं कि कब आते हैं, उसके बाद आई डोंट नो क्या कैसे सीन है, नहीं है फिलहाल। अभी मेरे को घर का कुछ काम वगैरह है, वो सब काम वगैरह कर लेते हैं। एंड जैसे कि आप लोग को बताए थे बॉयज़ की कार वगैरह सेल कर रहे, सारा कार बॉयज़ क्या बोल रहे हो, सब कार हटा देते घर से, फॉर्चुनर भी सेल कर दे रहे एंड टाटा जेस्ट भी बेच दे रहे, और आई टेन भाई सब। फॉर्चुनर का सोच रहे कि हम लोग अब बेच दें, क्योंकि अब हो गया, फॉर्चुनर चला लिए, फॉर्चुनर से मन भी भर गया है, अब कुछ नया लिया जाएगा। सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो गाइस, फॉर्चुनर सेल कर दिया जाए कि नहीं किया जाए। सो यस, हम लोग सोच तो रहे थे, बात किए थे घर में कि फॉर्चुनर सेल कर देते हैं, उसके बदले कुछ और कार लेंगे और बिजनेस करेंगे कारोबार का, समझ रहे हो भाई सब। उसको बेच के दो तीन कार और लेके आएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर और लाएंगे, फिर और ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो, प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। बाकी अभी तो काम चल रहा है भाई सब, कार वाला काम चल रहा है। जिसको भी कार वगैरह कुछ लेना है, इंटरेस्टेड है, तो मेरे को DM कर देना, सारा कार्स अवेलेबल है, सब दिलवा देंगे। बाकी अपना फॉर्चुनर का तो बात कर रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई लेना चाहता है फॉर्चुनर, मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे को जल्दी से इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ऑलरेडी हम एक कंपनी से बात करके रखे हैं। कार्स 24 से मेरा बात चल रहा था, जैसे कि आप लोग लास्ट वाले व्लॉग देखे थे कि हम आसनसोल गए थे फॉर्चुनर लेके, तो वही कार्स 24 में जाके दिखाए थे, रेट वगैरह दिया है। तो अगर कोई भी आप लोग जो सब्सक्राइबर वगैरह जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है फॉर्चुनर लेने में भाई साहब, मेरा वाला जो फॉर्चुनर आप लोग देखे थे, तो मेरे को DM कर देना या कमेंट कर देना, जो भी बात कर लेंगे। यस, बाकी फिलहाल अभी लेट्स सी देखो कैसा क्या रहता है क्या नहीं। बॉयज फिलहाल अभी नहा के फ्रेश हो चुके थे, बट अजीब से लग रहा है, आई डोंट नो क्यों, सब चेहरा कैमरा खराब हो गया। बाकी अभी लंच वगैरह सब हो चुका है, सब कंप्लीट। अभी थोड़ा भाई साहब हमको रेस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा आराम करना है, थके हुए टायर्ड लग रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉल किया था वो लोग इंस्टॉलेशन वाला जियो फाइबर के लिए, तो वो लोग अराउंड बोला कि शाम के 5:30 बजे तक आएंगे। तो हम लोग बोले तक ठीक है चलो, अब जब वो लोग आएगा तो देखते हैं कैसे क्या इंस्टॉलेशन होता है नहीं होता है। बाकी चलो थोड़ा भी रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम को। तो फिलहाल अभी उठ चुके हैं मस्त में, एंड ये चेक करो पबजी ऐड करो हाँ BGMI। अरे भाई सब नहीं दिख रहा है, ये रहा BGMI का, ये रहा ID। ऐड करो भाई सब, ऐड करो, समझ रहे हो ना। अरे फोकस क्या हो गया, फोकस खराब हो गया। बाकी ऐड करो आप लोग, मेरा BGMI ID भी हम भी डाल देंगे, मेंशन कर देंगे। बाकी भैया लोग तो आ गए, चलो इंस्टॉलेशन करवाते हैं। चलो जियो फाइबर हम लोग एक लगा हुआ है, रेलटेल देख रहे भाई सब, दो वाईफाई क्या मतलब, दो वाईफाई, चलो एक और वाईफाई लगवाते हैं। तो यस, जो फिलहाल लगाते हैं भैया लोग, वो लोग आ चुके हैं इंस्टॉलेशन वाला जियो कंपनी की तरफ से। एंड क्या सीन है कि वो लोग अभी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं कि ज़्यादा नेटवर्क किधर को मिलेगा, मतलब क्योंकि बोल रहे कि ऊपर पेड़ वेड़ वाला एरिया है ना, मतलब पूरा फ्री नहीं है ऐसा खाली टाइप का, तो बोले थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो वही चेक कर रहे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उनको किधर पड़ेगा, तो उसको फिर बाहर में एक आउटडोर यूनिट लगेगा और एक घर पे लगेगा। पहले क्या सीन था कि जो पहले का वाईफाई वगैरह होता था उसके लिए एक कनेक्शन आता था, वायर कनेक्शन, जो कि मेन जगह से आ रहा था। जैसे कि वो चेक करो हमारा वो पुराना वाला वायर का कनेक्शन आके यहाँ अंदर आउटर में लग रहा था। इसमें क्या है कि दो लगेगा, एक इंडोर यूनिट एक आउटडोर यूनिट। एसी का कैसे होता है, बस आउटडोर से इंडोर का एक कनेक्शन रहेगा, बाकी सारा सैटेलाइट से कनेक्शन है, समझ रहे हो। देखो वो लोग का फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक हुआ, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे वो लोग। चेक करो कोई प्रॉब्लम लगा खुद नहीं लगा। हाँ पहले आप लोग अपना कंफर्मेशन कर लीजिए। हाँ। इसी में जियो फाइबर है ना, वो आउटडोर यूनिट है कि इंडोर यूनिट है, ये चेक करो गाइस, ये आउटडोर।
तो फिलहाल अभी अंदर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है एंड अंकल लोग गए हैं बाहर वो आउटडोर यूनिट लगाने के लिए। देखो भाई साहब कैसा क्या होता है, इसमें तो अलग अलग है। मतलब अभी मालूम चला कि ये जियो फाइबर जो एयर फाइबर जो है, जियो फाइबर नहीं एयर फाइबर है, जियो फाइबर वायर वाला था, ये वायरलेस है। तो ये एयर फाइबर का जो कॉस्टिंग है ये पूरा राउटर वगैरह का, इंडोर आउटडोर का, तो वो बता रहे थे कि अराउंड 25,000-24,000 का है, समझ रहे हो। तो हम बोले कि ये इतना सस्ता फ्री में कैसे दे दे रहे, क्योंकि अभी हम लोग को राउटर का कुछ पैसा नहीं लगा, अब मेरा सिर्फ रिचार्ज का पैसा लगा है, यही ऑफर था। इसके लिए हम जल्दबाजी में, मेरा ऑलरेडी जो वाईफाई लगा हुआ उसका अभी मतलब 5 दिन पहले ही उसका रिचार्ज कराया है एंड अभी उसका 25 दिन पड़ा हुआ है, तब भी हम ये ले रहे हैं क्योंकि अभी इसका इंस्टॉलेशन फ्री है प्लस सारा सामान का फ्री है, इसके लिए लगवा लिए ये वाला। एंड इसका क्या पॉलिसी है कि अगर फिर ये जियो वाईफाई जियो एयर फाइबर अगर हम रिचार्ज नहीं करते हैं, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, तो फिर कंपनी कॉल करके ये अपना सामान वो वापस लेके चल जाएगा, बस ये दिक्कत है। क्योंकि एयर फाइबर बहुत महंगा है, बोलते रहे 25-24 हज़ार का है, उसका बॉक्स में MRP देखते कितने का है। अब वो जो बोले आई डोंट नो क्या कुछ भी बोल दिए होंगे। आ रहे हैं आसिफ बुला रहे हैं, हाँ बोल। तो चेक करो भाई भैया चलो के वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं। अरे 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 सोएस बॉयज फाइनली हमारा जियो फाइबर का कनेक्शन हो चुका है बॉयज कंप्लीट। ये चेक करो भाई, यहाँ पे हमने जियो फाइबर लगवाया है और अभी हम लोग के पास कुछ रैक वगैरह था नहीं, तो हम लोग सेटअप बॉक्स को ऐसे एक टेबल पे रखा दिए। अरे भाई साहब छूने से हिल जाता है क्या भाई साहब, नहीं छूना पड़ेगा बाकी अभी हम। अरे भाई गिरना मत भाई ऐसे रहना है। बाकी ये चेक करो भाई, ये हमारा भी कनेक्शन वगैरह हो चुका है, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा फीचर्स मिला हम लोग को। फीचर्स में बता दे रहे क्या क्या मिला हम लोग को, रिचार्ज में हम लोग को ये सेटअप बॉक्स मिल गया, इसमें हम लोग जियो TV OTT चैनल, मतलब सिर्फ मेरा प्लान में हॉटस्टार और अमेजोन नहीं है ना, सिर्फ अमेजोन एंड हॉटस्टार छोड़ के बाकी जितना भी चैनल वगैरह सब मिल सकता है। जियो कॉल का क्या सिस्टम है कि मतलब विदाउट सिम विदाउट रिचार्ज वगैरह का हम लोग जिसको चाहे उसको कॉल कर सकते हैं, और हम लोग का नंबर कुछ एक नंबर अच्छा नंबर जाएगा, कुछ 0341 करके नंबर जाएगा। सो बाकी ये चेक करो भाई, ये रहा फिलहाल सारा सामान हम लोग का। एंड देखो प्राइस, देखो जियो का ये जो ये है क्या बोलते हैं इसको, सेटअप बॉक्स है, देखो सेटअप बॉक्स का प्राइस चेक कराते हैं आपको, 6400 का, समझ लो सिर्फ यही 6400 का है। और ये जो है इसका प्राइस कहाँ है, सिर्फ प्राइस है इसका कहीं पे, देखो तो नदर लॉक्स नॉट फॉर रिटेल सेल, MRP इसका प्राइस नहीं लिखा है, लिखा है नॉट फॉर रिटेल सेल, इसका सेल के लिए इसका प्राइस नहीं लिखा है। इसमें है क्या, इसमें भी सेम वही होगा, नॉट फॉर रिटेल, नॉट फॉर रिटेल सेल, मतलब ये जियो ही बनाता है, बट जैसा कि वो लोग बताया था कि 24-25 हज़ार का है, फेंका फाके क्या कि क्या क्या नहीं मालूम। बाकी ये रहा कुछ सामान सारा जियो, बाकी तो अभी सारा सेटअप वगैरह का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो चुका था। एंड इसी दौरान भाई साहब घर पे आई है कौन, आप लोग तो बताओ बताओ कौन आई है, आप लोग तो देखे हम दिखाए थे कि घर से कोई क्रॉस किया था, सलाम वलाम भी नहीं कर पाए। सो घर पे आई है नानी, नानी आई हुई है वीकेंड पे, मतलब अभी नानी का ट्रिप है, हॉलीडेज पे आई हुई है नानी हम लोग के घर पे, तो अभी 6-7 दिन ऑलमोस्ट रहेगी। तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और नानी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को देखिएगा डेली डेली देखिएगा इंशाल्लाह, लेकिन मेरे लिए लाइक करने होगा आप लोग को, देख लीजिए लाइक करने करवाने के लिए आप लोग के लिए आया और क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर करने के लिए। तो जो बोले वो कर देना भाई, तो सब्सक्राइबर कर देना, हाँ थोड़ा सा बढ़ाइए, चाय पानी हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चाय पानी सब पी लिए हैं इंशाल्लाह। आप देखिए आप लोग प्यार मत देना छोड़िएगा मेरे नाती को, एकदम लाइक करते जाइए इंशाल्लाह, इसी सब के चक्कर में बाकी अभी ये सबको उठा के रखना पड़ेगा, बाकी चलो फिलहाल देखते हैं और क्या करना है क्या नहीं। सो इस बॉयज फिलहाल अभी गए थे थोड़ा बाहर कुछ काम से, वो सारा काम निपटा लिया है, अब आ गए घर, घर आ चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है डिनर का,
एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा उनको नींद आ रहा है, मतलब आई डोंट नो। एंड ये चेक करो भाई, नानी नानी घर से क्या ले गई है, मच्छर मारने वाला बैडमिंटन जादू की झप क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, मॉस्किटो वाला एक नंबर चीज़ है भाई साहब। तब से टट 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 मार रहे थे हम लोग। बाकी फ़िलहाल अभी लंच करने का टाइम, डिनर करने का टाइम हो चुका है, चलते हैं फटाफट से डिनर करने के लिए। एंड टायर्ड कुछ ज़्यादा लग रहा है, बट जाग के नहीं हो एडिट करना ब्लॉग, ताकि कल मतलब आज आप लोग ये वाला ब्लॉग देख पाओ अगर हम एडिट कर लिए तो। बाकी चलो कोई नहीं, फिलहाल फटाफट से चलते डिनर करने के। लोग बॉयज डिनर वगैरह हो चुका है सब कंप्लीट। एंड ये चेक करो बॉयज, यहाँ पे रॉकी का सोता है मस्त में, रॉकी का सोने का जगह है, यहाँ पास ही फुटबॉल खेल रहा है, और उधर सामने हम लोग अभी फुटबॉल मैच देख रहे हैं। टाइम चेक करो बॉयज, 12 बज गया है। सही है सही है सही। सो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई डोंट नो ब्लॉग बड़ा बना कि छोटा बना। सो यही फिलहाल आप आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहले तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं लोग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।